नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ 27। मैं लिए चलता हूं खबरों की ओर। खबर कटिहार से है। कटिहार में नेत्रहीन जोड़ा पहुंचा कोर्ट, दोनों की हुई शादी। आज जैसे ही एक नेत्रहीन जोड़ा शादी करने कटिहार सिविल कोर्ट पहुंचा, तो सुबह से लेकर शाम तक नेत्रहीन दुल्हन और नेत्रहीन दुल्हा को देखने के लिए कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि यह दोनों की शादी दोनों परिवार की रजामंदी के साथ कराई गई। दोनों अपने अपने आँख से विकलांग हैं। दोनों दुल्हा अपनी दुल्हन को देख सकते, न ही दुल्हा दुल्हन को देख सकती। इस अनोखी शादी से पूरे कोर्ट परिसर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं नेत्रहीन दुल्हा बैगना कटिहार का है, जो सदर अस्पताल में किसी संस्था द्वारा कार्यरत है, तो नेत्रहीन दुल्हन मनिहारी के मेदिनीपुर गांव की रहने वाली है, जो बिना देखे एक दूसरे को पसंद किया और विवाह जैसे पवित्र रिश्ते की बंधन से बंधकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। अब दोनों दुल्हा और दुल्हन के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए उदय कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। नाबीना है, विकलांग है जी। अच्छा, आप विकलांग हैं जी, कोर्ट पहुंचे हैं शादी करने के लिए जी। कैसे रिश्ता मिला आपको, कैसे ये पसंद हुई? पसंद लैंड है, हम भी तो पसंद हो गए यार। रिश्ता बिना खोजे थोड़ा ना मिलता है, तो क्या कहता है, पिंटू जी द्वारा खोजा गया था, तो बोले हमको, तो हम क्या कहता है, रिश्ता मिला तो हम मैरिज के लिए सक्षम हुए। मेरे पापा और मेरा भाई लोग जाके देखे, अब मैं भी देख के आया, तब मैं सक्षम हुआ। तो यानी दोनों के गार्जियन के राजी खुशी से शादी हुई जी। जी जी, क्या करते हैं आप? PWD एसोसिएशन के सदर अनुमंडल अध्यक्ष हैं, दिव्यांगता क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ शादी करने के लिए जी। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप लोग के परिवार के राजी से शादी हो रही है जी। अच्छा, आप दोनों आँख से नहीं देख सकते, किस तरह से आप लोग का जीवन यापन होगा? सही से होगा, ठीक ठाक से होगा जी। कहाँ आई है अभी, पता है? कोर्ट आए हैं। कोर्ट आए हैं, किस लिए आई है? शादी करने। शादी करने के लिए। आप भी राजी हैं जी? रिश्ता ठीक ठाक से चलेगा आप लोगों का जी। क्या करते हैं आपके जो होने वाले पति हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटल में काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी। घर कहाँ हुआ? मेदिनीपुर। कैसे रिश्ता हुआ आप लोग का? मेरा रिश्ता पिंटू भैया जोड़े हैं। पिंटू भाई के द्वारा लड़के से हुआ और उनके माध्यम से जो है आगे बात बढ़ा। हमको जानकारी हुआ, उनका गार्जियन तो नहीं है, गार्जियन के रूप में हम खड़े हुए। हमने जो भी है हम हैं, और गरीब घर का बच्चा है, किसी तरह हो जाए तो अच्छी बात है। यही सब को देखते हुए जो हम लोग उसके घर पे भी गए, घर दरवाज़ा भी सब जो देखना था देख सुन करके, वो लोग भी आए, वो लोग भी देख सुन के, दोनों मर्जी दोनों गार्जियन के मर्जी के तहत हो रहा है, राजी खुशी से हो रहा है। सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से गुहार यही लगा रहे हैं कि ये दोनों बच्चा विकलांग है, सरकार इसकी कुछ सहायता दे दे जी। आपने आज एक जोड़े का शादी करवाया कोर्ट में जी, जो कि दोनों हैंडीकैप है, दोनों विकलांग हैं जी। कैसे आप लोगों ने प्रयास किया और इसमें किस तरह से मेहनत आप लोगों ने किया एक दूसरे को आपस में मिलाने में? हमारे एक जूनियर है पिंटू कुमार चौधरी, उन्होंने जो है प्रयास करके मेरे पास लाए, और उसके बाद जो है दोनों जोड़ी का शादी करवाया। और इनका एक का घर जो है बैगना है, लड़का का घर बैगना है, उसका नाम गुड्डू कुमार शाह है, पिता का नाम शिव कुमार शाह, राजेंद्र शाह। अच्छा, दोनों के गार्जियन के राजी खुशी से शादी? दोनों का गार्जियन के राजी खुशी से करवाया। अच्छा, आम लोगों तक क्या पैगाम, क्या संदेश है सर आपका? संदेश ये है कि इस तरह का अगर शादी ब्याह होते रहे तो हम लोग जो है सब चाहेंगे आगे मुकाम तक ऊँचे तक पहुँचा दें। एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच समाज में जागरूक पैदा होगी। सरकार से कुछ इन लोगों के लिए कुछ मांग करते हैं? हाँ, सरकार से लोगों का जो माने मुआवजा होता है या जो वो क्या कहते हैं इसके माध्यम से जो होता है वो सब हम लोग प्रयास करें कि दिलाने का। अच्छा, दोनों एक ही जाति के हैं क्या? जी, दोनों एक ही जाति। अच्छा, अंतर जातीय नहीं है? जी नहीं, अंतर जातीय नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यान मंडल है, कटिहार। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27।
अगर खबरें पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।